दुर्गापुर पुलिस स्टेशन के सहायक फौजदार को रिश्वत लेने मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग ने गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता चंद्रपुर का निवासी होकर पुलिस स्टेशन दुर्गापुर में दाखिल गुन्हे में शिकायतकर्ता इनके मित्र को आरोपी न करने के काम के लिए नरेश शेर की सहायक फौजदार ने शिकायतकर्ता की ओर मध्यस्थी के तौर पर 70,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता के रिश्वत देने की इच्छा न होने से शेर की इनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग चंद्रपुर में शिकायत दी। प्राप्त शिकायत के आधार पर 26 अगस्त को की गई जांच कार्रवाई दौरान नरेश विठल राव शेर की सहायक फौजदार ने शिकायतकर्ता इन्हें 70,000 रुपए रिश्वत की मांग कर 50,000 रुपए आज और बचे 20,000 बाद में देने की हामी भरी, जिससे आज की गई कार्रवाई दौरान नरेश शेरकी ने शिकायतकर्ता की ओर 50,000 रुपए रिश्वत पंच समक्ष स्वीकारी। आज आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। उक्त कार्रवाई राहुल माकनीकर पुलिस अधीक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग नागपुर, संजय पुरंदरे अपर पुलिस अधीक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग नागपुर, साथ ही पुलिस उप अधीक्षक मंजूषा भोसले एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग चंद्रपुर, साथ ही कार्यालय स्टाफ सहायक फौजदार रमेश दुपारे, पुलिस हवालदार अरुण हटवार, हिवराज नेवारे, नायब पुलिस अमलदार रोशन चांदेकर, नरेश कुमार नन्नावरे, संदेश वाघमारे, वैभव गाड़गे, राकेश जामहुड़कर, अमोल सिडाम, प्रदीप ताडाम, मेघा मोहरले, पुष्पा कासोड़े ने की। चंद्रपुर जिले के सभी नागरिकों का आह्वान किया जा रहा है कि उनकी ओर से कोई निजी व्यक्ति कोई शासकीय काम करा देने के लिए फीस के अलावा रिश्वत की मांग करता है तो एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग से संपर्क साधें।